दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे जीव जो लाखों की संख्या में बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अनोखे और विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों से भरी हुई है, लेकिन पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस कोई है तो वो हम इंसान हैं। यूं तो हम इंसान अन्य जीवों की हर कला को बखूबी कर सकते हैं, जैसे पक्षियों की तरह आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना, बंदरों की तरह पेड़ों पर लटकना, मेंढक की तरह कूदना, अजीबोगरीब आवाजें निकालना। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम इंसान पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवों की कुछ चीजें को चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुण उनके अंदर प्रकृति ने भरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा करना मानव और पृथ्वी पर पल रहे अन्य जीवों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पृथ्वी मौजूद सभ्यताओं की आबादी ही ठप हो गई तो क्या होगा, ये तो आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों, अगर बात बच्चे पैदा करने की करें तो हम इंसान एक एवरेज संख्या में बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वहीं कुछ जीवों में बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत कम होती है, वहीं कुछ में हद से ज़्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक उन जीवों की जानकारी देने वाले हैं जो एक ही बार में करोड़ों बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ब्लैक गार्डन आंट। दोस्तों, ये घरेलू चींटी होती हैं जिन्हें आपने और हमने देखा ही होगा। दोस्तों, धरती के ये जीव बेहद खास होते हैं और उतना ही खास होते हैं इनके प्रजनन का तरीका, क्योंकि दोस्तों, इस जीव में मौजूद इनकी रानी में ही केवल प्रजनन की क्रिया होती है, जो कि एक बार में 1 मिलियन अंडे देती है। और दोस्तों, इसका जीवन काल 10 वर्ष का होता है। वहीं इस जीव में श्रमिक चींटियों का जीवन केवल कुछ सालों या महीनों का होता है और अन्य साधारण चींटियों का जीवन काल केवल कुछ महीनों का ही होता है। सी अर्चन। दोस्तों, समुद्र में रहने वाला ये जीव अपने शारीरिक बनावट के कारण काफी मशहूर है और ये समुद्र के उन जीवों में से एक है जिनका जीवन काल बहुत ज्यादा होता है। और बात करें सी अर्चन के ही एक प्रजाति रेड अर्चन की, तो इनका जीवन काल 200 वर्ष से भी अधिक हो सकता है। और बात करें सी अर्चन के शारीरिक बनावट की, तो इनका शरीर कटीला और गोल मटोल होता है। इसके अलावा ये थोड़े बहुत ड्रैगन फ्रूट्स की तरह के होते हैं और ये एक बार में 20 मिलियन अंडे देते हैं। ऑक्टोपस। दोस्तों, इस समुद्री जीव का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये ऐसे समुद्री जीव जो लगभग हर महासागर में मौजूद होते हैं। वैसे तो दुनिया में इनकी न जाने कितनी प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि प्रजनन के लिए काफी मशहूर हैं। यानी ये वही प्रजाति है जो एक बार में लाखों की संख्या में अंडे देती है। टर्माइट। दोस्तों, ये एक तरह के दीमक की प्रजाति होती है जो कि सूखी लकड़ी में नमी लाते हैं और इमारतों को भी खोखला करते हैं। लेकिन सभी प्रजातियों में कुछ चीजें समान होती हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रजातियों के टर्माइट के रंग एक दूसरे से काफी मिलते हैं और सभी प्रजातियों के 6 पैर सामान्य रूप के होते हैं। इसके अलावा इनका काम भी बिल्कुल मिलता जुलता है। दोस्तों, अगर इनके बारे में थोड़ा और जानें तो दोस्तों, ये लकड़ी, प्लास्टिक से बनी कुछ चीजें, मरे हुए पेड़ पौधे इत्यादि खाते हैं। इसके अलावा इनकी दुनिया भर में 2000 से अधिक प्रजातियां ज्ञात हैं और ये पृथ्वी के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बात करें इनके अंडे देने की, तो ये जीव लगभग 40,000 से अधिक अंडे देने की क्षमता रखते हैं। एटलांटिक स्टर्जन। दोस्तों, ये जलीय जीव होते हैं और ये मीठे जल में पाए जाते हैं। ये लगभग 5 से 7 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 90 से 160 पाउंड के बीच में होता है। ये जीव कीड़े मकोड़े, घोंगे इत्यादि का भक्षण करते हैं। इनका जीवन काल 50 से 60 वर्ष का होता है। दोस्तों, इसके अलावा अब तक की सबसे एटलांटिक स्टर्जन कनाडा में पाई गई है, जो कि 14 फीट लंबी थी और इसका वजन 810 पाउंड था। बात करें इसके प्रजनन की, तो एक अकेली मादा एटलांटिक स्टर्जन 20 लाख अंडे दे सकती है और ये 3 से 5 वर्ष के अंतराल में प्रजनन की क्रिया करती है। आयस्टर। दोस्तों, ये भी एक समुद्री जीव होते हैं जो कि खारे पानी में पाए जाते हैं। ये बेहद छोटे होते हैं और हाँ दोस्तों, ये वही जीव हैं जो मोती का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, इनकी कई प्रजातियां होती हैं। वैसे तो ये बेहद छोटे और अजीब से शरीर के होते हैं, लेकिन ये ऐसे जीव हैं जो 4 मिलियन से भी अधिक अंडे देते हैं। पैसिफिक ब्लूफिन ट्यूना। दोस्तों, ये मछलियाँ मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाई जाती हैं।
इनका जीवन काल 35 से 40 वर्ष का होता है। इनका शरीर 4 से 5 किलो से भी ज्यादा भारी होता है और ये कई फॉर्मल रंगों जैसे ग्रे, नेवी ब्लू, ब्लैक, डेड व्हाइट इत्यादि में पाई जाती हैं। इनका शरीर भी काफी गोल मटोल होता है और ये 35 मिलियन से भी अधिक अंडे देने में सक्षम होती हैं। कॉमन मोला सनफिश। दोस्तों, ये समुद्र की गोल मटोल मछलियों में से एक है। इनका वजन 2000 से 5000 पाउंड होता है। ये 10 से 12 फीट लंबी होती हैं। ये समुद्र में गर्म जल में पाई जाती हैं और ये बड़ी 6 धीमी गति से समुद्र में तैरती हैं। इनका शरीर बड़ा ही गोल मटोल सा होता है, इसलिए कई लोग इन्हें समुद्री की बॉनी मछलियां भी कहते हैं। इनकी आयु 10 वर्ष की होती है और ये मछलियां लगभग 300 मिलियन अंडे देती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।